तो स्टूडेंट मायने में माने मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक असाइनमेंट आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 11वीं विषय गणित के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर तो जाकर डाउनलोड करें। समय है 40 मिनट, पूर्णांक है 25 अंक, माह अगस्त, लघु उत्तरी प्रश्न। तो इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले और इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रश्न क्रमांक पहला, √5 + 3i का गुणात्मक प्रतिलोम लिख के 2 अंकों का ये प्रश्न है। यदि 2y + 3x - y i = 5 - 2i, तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी 2 अंकों के लिए प्रश्न दिया गया, पहला और दूसरा दो दो अंक के प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये 5-5 अंक के है और लास्ट अंतिम प्रश्न है 6 अंकों का। सिद्ध कीजिए 1 × 3 3 × 5 + 5 × 7 + --2n - 1 2n + 1 = n 4n² + 6n + 1/3। गणितीय आगमन सिद्धांत से इसको हल करना है, 5 अंकों का ये प्रश्न दिया गया है। प्रश्न 4 है, सिद्ध कीजिए 41² - 14n संख्या 27 का गुणज है, तब n belongs to n। 5 अंक के लिए प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, √2 x² + x + √2 = 0 को हल कीजिए। ये भी 5 अंकों का ये प्रश्न दिया गया है। सभी प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियो पर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। छठा प्रश्न है, 2 + 6√3i / 5 + √3i को ध्रुवीय रूप में लिखिए, 6 अंकों का ये प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर 6 प्रश्न आपको दिया गया और 25 अंकों का इसका पूर्णांक है। 40 मिनट पर पूरा करना है। धन्यवाद।